हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर। हम इस वीडियो में बात करेंगे 27 नवंबर 2019 के एमपी डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस career-academy.com पर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें जो भी अपलोड नहीं है वह जल्द ही आपके एमसीक्यू अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए MPGK-Test मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ना हमने MPPSC की परीक्षा के हिसाब से बनाया है। जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले, मध्य प्रदेश में धार्मिक समारोह आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरुआत कब से की गई थी? ये जो आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत की गई थी वह 1938 में की गई थी आंकड़ों के अनुसार। यह अभी हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 72वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन 22 से 25 नवंबर 2019 तक किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा तीसरा धार्मिक समारोह माना जाता है। अब आज का क्विज है जो आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जगह को क्यून ऑफ सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है? होशंगाबाद, पचमुड़ी, खजुराहो, अमरकंटक। इसमें से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का तृतीय चरण कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान, जिसके अंतर्गत टीकाकरण होता है, 23 नवंबर 2019 से 4 दिसंबर 2019 तक इसका तृतीय चरण चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सघन मिशन इंद्रधनुष का अभियान का प्रथम चरण 23 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर 2019 तक किया गया। वहीं द्वितीय चरण 23 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक किया जाएगा। और नगरीय निकायों में आगामी 2 दिसंबर, 6 जनवरी, 3 फरवरी, 2 मार्च 2020 को सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में गजक मीठोत्सव का मनाया जाएगा? ये गजक मीठोत्सव का आयोजन मुरैना की गजक प्रसिद्ध ही है, तो आपको भूलने वाली नहीं है। मुरैना की गजक को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रशासन पहली बार जिले में गजक मीठोत्सव मनाने जा रहा है। 6 से 7 दिसंबर 2019 को टाउन हॉल में गजक मेला लगाया जाएगा। इस दौरान गजक उत्पादकों व खरीदारों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। दिसंबर 2019 में इंदौर टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? दिसंबर 2019 में जो इंदौर टूरिज्म फेस्टिवल है उसका आयोजन 7 से 15 दिसंबर 2019 तक किया जाएगा। इंदौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर टूरिज्म फेस्टिवल 7 से 15 दिसंबर 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन के दौरान लालबाग, पिपलिया पाला तथा अन्य स्थान पर सांस्कृतिक, वाटर स्पोर्ट तथा एडवेंचर गतिविधि सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। आयोजन के दौरान मालवा के स्वादिष्ट व्यंजनों पर आधारित फूड मेला का भी आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल ही में नैक, नेशनल असेसमेंट एंड रीअक्रेडिटेशन काउंसिलिंग से A+ ग्रेड किस विश्वविद्यालय को मिली है, जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ये जो मिली है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक बोलते हैं, जिसे से A+ ग्रेड मिल गई है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे यह गौरव मिला है। यहाँ की जो कुलपति हैं तो डॉक्टर रेणु जैन हैं। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस जिले की दौलता ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री द्वारा आगामी पंचायती राज दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा? ये आपके मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत है, इसका नाम है दलौदा ग्राम पंचायत। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की दलौदा ग्राम पंचायत कचरा प्रबंधन की एक ऐसी व्यवस्था जिससे न सिर्फ गांव साफ सुथरा हो गया है, बल्कि कचरे से जैविक खाद और
वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है। गांव में स्वच्छता का वातावरण है और गांव अब शहर जैसा लगता है। गांव की सरपंच विपिन जैन को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री से पुरस्कृत किया जाना है। यह अवार्ड 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में आयोजित 17वीं माइलो राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीतने के बारे में क्या सत्य है? तो ये मध्य प्रदेश के जो दो खिलाड़ियों ने भाग लिया, इसमें एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक, मिला के कुल दो पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण है और एक कांस्य पदक शामिल है। इसकी डिटेल देखते हैं हम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 23 से 25 नवंबर 2019 तक आयोजित 17वीं माइलो राष्ट्रीय अंतरजिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी खिलाड़ियों ने भोपाल जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक अर्जित किया है। प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ी अभय कंवर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लंबी कूद स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी संदीप सिंह ने 6.52 मीटर की लंबी छलांग लगाकर कांस्य पदक अर्जित किया। तो ये आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन और इसकी डिटेल थी। अब हम बात करेंगे जो MPGK का रिवीजन है, उसमें महिला साक्षरता में राज्य का स्थान कौन सा है? तो ये 28वां राज्य का स्थान है पूरे देश में। राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? ये 931 है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपका निवाड़ी बन गया है। झीलों का शहर उपनाम से जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये भोपाल है। मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है? 73,311 किलोमीटर है ऑफिशियल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपका इटारसी है। मध्य प्रदेश में रेलवे विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये भोपाल है। मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 5 हैं, जैसे कि खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। सबसे बड़ा शहर आपका इंदौर है, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। सीमावर्ती राज्य को कहाँ तक है? पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र है। आपके मध्य प्रदेश की जो सीमा से लगते हैं वह पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र लगते हैं। प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से जुड़ी है? ये 10 जिलों से जुड़ी है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जुड़ने की बात करें तो ये जो है वो 13 जिलों से जुड़ी है, क्योंकि निवाड़ी भी हो गया था तो लगभग 13 ही है। और मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा है? तो ये मुरैना है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मंडला में है। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में है। तो दोस्तों हमने ये MP करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे और MPG के रिवीजन के तौर पर आज हमने इतने ही क्वेश्चन शामिल किए हैं। और दोस्तों इसकी आपको PDF MCQ प्रैक्टिस करियर टेस्ट अकेडमी पर जो है कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको जो है एक्टिव हो जाएगी, यानी कुछ अपलोड नहीं कर पाए हम, तो उस पर काम चल रहा है, तो वो जल्दी हो जाएंगे, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे आपकी MPPSC एग्ज़ाम के लिए या अन्य कोई दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसके लिए बहुत जो है वो समय ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कमेंट आपकी जो है वो ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़ सके। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।